उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना केस में आई भारी गिरावट। 4,800 कोविड के नए मामले सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट हुए। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 3,050 नए केस मिले। 6,173 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। 53 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना वैक्सीन के लिए पंजाब सरकार का ग्लोबल टेंडर रिजेक्ट। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का पंजाब के साथ डील करने से इनकार। कहा सिर्फ भारत सरकार के साथ ही करेंगे समझौता। सीएम योगी ने की जनप्रतिनिधियों से अपील। कहा सांसद विधायक अपने क्षेत्र में एक एक सीएचसी पीएचसी को गोद लें। कोरोना कंट्रोल को लेकर एक्शन में सीएम योगी। झांसी में कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा जान और जीविका बचाने के लिए कर रहे काम। यूपी के प्राइवेट स्कूलों की बड़ी पहल। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का उठाएंगे बीड़ा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई मीटिंग में किया फैसला। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर 30 मई को होगी एक और बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में दिल्ली समेत कई राज्य परीक्षा के खिलाफ। लखनऊ में ब्लैक फंगस का बढ़ा दायरा। 210 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पताल में भर्ती। प्रदेश भर में मिले अब तक 506 मरीज। 20 लोगों की मौत। सीतापुर में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। बागपत के मेडिसिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की हुई शुरुआत। 7,000 लीटर ऑक्सीजन की होगी सप्लाई। गौतमबुद्ध नगर में थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 2 M4 टेरेसिन इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी दवाइयों की कर रहे थे कालाबाजारी। लखनऊ में राशन वितरण का अचानक जायजा लेने पहुंचे डीएम। मौके पर पारदर्शिता के साथ पात्रों को राशन देने का दिया निर्देश। बाराबंकी में कोविड से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर चला रहा टीकाकरण अभियान। जागरूकता की कमी से असमंजस में ग्रामीण। आजमगढ़ में कोविड से रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीएम ने मंडलीय चिकित्सालय का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जाना। मथुरा के वृंदावन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खाद्य सामग्री बांटने के दौरान जुटी भीड़। वीडियो वायरल। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस और निजी संस्था ने फूड पैकेट बांटने के लिए मिलकर लॉन्च की वेबसाइट। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। सहारनपुर में कोरोना को लेकर हुआ विश्व शांति यज्ञ। थाने में पुलिस कर्मियों ने किया हवन। संभल में लोगों को जागरूक करने की एसपी ने की अनोखी पहल। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को कोरोना फूल कैंपेन चलाकर जागरूक किया। बहराइच में लोगों को जागरूक करने की अनोखी पहल। प्रतिमा पर मास्क लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। दिनों के दौरे पर बागेश्वर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी जाना हाल। बागेश्वर में पीपीई किट पहनकर सीएम तीरथ ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। मरीजों से फोन पर बात कर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जानकारी। देहरादून पहुंचे ब्लैक फंगस के 300 इंजेक्शन। सीएमओ जरूरत के हिसाब से अस्पतालों और मरीजों को करेंगे वितरित। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा सीएम से इस मामले को लेकर हुई बात। नैनीताल जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन सेंटर के लिए ऐसी जगहों की तलाश शुरू कर दी है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा सके। इसके लिए कई स्कूलों को चिन्हित किया गया है। दरअसल भीड़ को देखते हुए अस्पतालों से वैक्सीनेशन सेंटर को हटाया जाना है। अल्मोड़ा में अभिनेता ईशान खट्टर ने करवाया वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण की व्यवस्थाओं की तारीफ की। जशपुर में कोरोना नियमों का पालन न करने पर 3 दर्जन लोगों को पकड़ा गया। एसपी ने कहा आगे भी जनपद में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए पहलवान सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस ने मांगी 12 दिन के रिमांड। आज दिल्ली के मुंडका से हुई थी गिरफ्तारी। असम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए थे। बाइक बोट घोटाले में हाल में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया गया। प्रशासन ने दोनों की 110 करोड़ की संपत्ति अटैच की। लखनऊ में मेयो अस्पताल के प्रबंधक पर शिकंजा। एसीएमओ ने गोमती नगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। कोविड मरीजों से मनमानी वसूली का आरोप। भदोही में विवाद में भाई ने भाई और भाभी को उतारा मौत के घाट। 9 महीने के मासूम को भी किया घायल। जांच में जुटे पुलिस। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। धमकी देने वाला निकला नाबालिग। अपनी बहन के प्रेमी को फंसाने के लिए रची थी साजिश।
झांसी में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को ज्ञापन देने पहुंचे जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुरक्षा कारणों से डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 15 घंटे के भीतर आरोपी हुआ गिरफ्तार। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके में एक नशेड़ी पति ने पीट पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारा। मौके पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बलिया में बेखौफ बदमाशों ने ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी और समर्थकों को पीटा। मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। सीतापुर के महोली कोतवाली इलाके में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक शख्स घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में शादी में हुई हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फायरिंग में 10 साल की बच्ची की हुई थी मौत। संभल में प्रेमिका से जबरन निकाह कराए जाने के बाद प्रेमी युवक की संदिग्ध मौत। सुसाइड की आशंका, जांच जारी। देवरिया में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले युवक की पिटाई की थी। फायरिंग, तमंचा बरामद। संभल में रास्ते के विवाद में दबंग ने एक शख्स को मारी गोली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे। रामपुर में 25,000 के 2 अनुनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केवरी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 56 मोबाइल और अन्य सामान बरामद। रामपुर में खेतों से मशीनें चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। 2 मशीनें बरामद। रामपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। बच्चा घायल। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। फरुखाबाद में शादी में युवक का फायरिंग करते वीडियो हो रहा वायरल। मामले की जांच में जुटे पुलिस। अमेठी में हत्या के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या की थी। वाराणसी में सीएम योगी की अपमानजनक तस्वीर पोस्ट करने वाले के खिलाफ एक शख्स ने कराई शिकायत दर्ज। फेसबुक पर गलत तरीके से पेज बनाकर पोस्ट वायरल करने का आरोप। किसानों के देशव्यापी आंदोलन को मिला 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन। कृषि कानून के खिलाफ 26 मई को किसानों ने बुलाया है देशव्यापी बंद। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में ग्रामीणों ने गांव में तेंदुआ देखे जाने का किया दावा। मामले की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। हरिद्वार के बादराबाद इलाके में गुलदार दिखने से हड़कंप। मौके पर लोगों ने गुलदार को कैमरे में कैद किया। संत कबीर नगर में ट्रक और पिकअप की टक्कर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पीएम मोदी की एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक। बंगाल ओडिशा में एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड की टीम अलर्ट पर।